हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कस्टमर के यहाँ पे हमने 200 लीटर का जो सोलर वाटर हीटर है लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारा सोलर वाटर हीटर का स्टैंड है और हम इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है। ये आपका 200 लीटर का है। दोस्तों, इसमें लगभग सोलर की जो ट्यूब आती है, सोलर रॉड जिसे हम कहते हैं, बेसिकली उन्हें ट्यूब कहा जाता है, वो इसमें लगभग हमारी 20 क्वांटिटी में रहेंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा स्टैंड लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, इसकी जो फेसिंग रहती है वो साउथ फेसिंग रहेगी। डायरेक्शन आपकी साउथ की है, ये देख सकते हैं आप, हमने साउथ की डायरेक्शन लगाया है। तो अभी हमारा ये सोलर वाटर हीटर टैंक है जो 200 लीटर का है, आप देख सकते हैं, ये सन स्टेलर नाम से है। और ये हम अब इसको इस पर लगा चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों, अभी हमने लगाई है इसकी जो कैप आती है, कैप है ये, सोलर कैप बोलते हैं हम इन्हें। इसको लगाने का रीज़न ये है कि इसका जो नीचे का कांच है वो इससे इसके सपोर्ट में रहता है, जिससे कि वो टूटता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हमने देखिए, ये कांच का आइटम है तो इसको हमें होल में, जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें होल थे, उसमें लगाने के लिए कुछ चिकनाहट की चीज़ चाहिए होती है। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं शैम्पू का घोल। शैम्पू का घोल बनाने के बाद इसमें ये रबड़ हम इस तरह से चढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आसानी रहती है। और हमने ये इसकी फर्स्ट ट्यूब जो है वो लगा दी है, और इस तरह से हम बाकी ट्यूब भी लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक देखा है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड जो इसकी लास्ट की ट्यूब है, बस दो ही ट्यूब लगाई हैं, जिससे कि मैं अब इस टैंक के जो नट हैं वो अच्छे से टाइट कर दूं। इसको एक डायरेक्शन अच्छी मिल चुकी है, एक एंगल अच्छा मिल चुका है, और ये हमें जो नट इसके दिए वो लास्ट में ही टाइट करने रहते हैं, जिससे कि ये अपनी जगह बना सके। और अब अपना काम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही, तो इसको मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये सोलर वाटर हीटर लग चुका है, टोटली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें हमारा प्लम्बर वर्क रह जाता है, जो कि प्लम्बर ने भी अपना काम नेक्स्ट डे में कर दिया था। इसकी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका हॉट वाटर आउट होगा, मतलब आपका गर्म पानी बाहर की तरफ निकलेगा, और एक पाइप ऊपर की तरफ आप एयरिंग के लिए देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका ज़रूरी रहता है। और देखिए दोस्तों, प्लम्बर ने अपना वर्क कितने अच्छे से कर रखा है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो गर्म पानी के लिए वे है वो दे दिया है पाइप के ज़रिए, देखिए। और दोस्तों आइए, मैं आपको यहाँ से आपका इनलेट दिखा देता हूँ, जिससे आपका कोल्ड वाटर वाटर हीटर के अंदर जाएगा। तो ये यहाँ से आपका कोल्ड वाटर अंदर की तरफ जाएगा, जिससे कि रॉड के ज़रिए आपका पानी गर्म होके आउटर में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।